ଆସୁଛି ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ମଝିରେ ଆଉ ମାତ୍ର 6 ଦିନ, ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖକୁ ଚାତକ ଆଖିରେ ଚାହି ବସିଛି ଭକ୍ତ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ ସରିଛି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ବିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିର ଆୟୋଜନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତ ରାୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସମୟ 12:20 ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡର ସବୁ ବିଧି ବାରାଣସୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ବିଧି 21 January ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। लगभग सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर प्रारंभ होगी। कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित जी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 January से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 January तक चलेंगे। पौष शुक्ल द्वादशी मृगशी सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र दिनांक 22 January 2024 के दिन दोपहर अभिजित मुहूर्त में मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में लगभग 12:30 का वो मुहूर्त है, इसमें प्रतिष्ठा होगी। January 18 मंदिर गर्भगृह में भगवान श्री रामको बालक स्वरूप को स्थापित करा जिबो। मूर्तिर ओजन प्राय 120-200 kg पर्यंत रहिबो। 5 वर्षर बालक स्वरूप प्रभु श्रीराम तांको समस्त भक्तों को खूब शीघ्र दर्शन देबे। January 23 साधारण भक्तों दर्शन निमन्ते मंदिर खोल जिबो। एपटे गतकाली राम मंदिर मंदिरर मुख्य पूजक को रामलालांको नुआ पोशाक प्रदान करा जायछि। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव परे रामलालांको एही वस्त्ररे आभूषण करा जिबो। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। 150 kg से 200 kg के बीच में उसका वजन है होगा। 5 वर्ष का बालक का स्वरूप गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। दीर्घ अपेक्षा परे साकार रूप नेबा को जाउची भारतवासी को विश्वास रो आधार अंत हेबा को जाउची राम भक्त दीर्घ अपेक्षा। समय जेतिकी पाखे आसुची प्रति मुहूर्त लागुची गोटे गोटे छुक अपेक्षार एक कई घड़ी समस्त को करुचे विचलित। ब्यूरो रिपोर्ट अर्कस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।